विद्यार्थियों कैसे हैं आप आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय पर स्वागत है विद्यार्थियों आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा पांच में अध्याय तीन गुणा भाग और इसमें प्रश्नावली तीन पॉइंट एक का सवाल नंबर एक आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर एक हल कीजिए यहां कुछ गुणे के सवाल दे रखे हैं हमें उन सवालों को हल करना है पहला है दो सो छिया गुणा एक सौ पच्चीस दो सौ छियासी का गुणा हमें एक सौ पच्चीस से करना है हम यहां दो सौ छियासी लिखेंगे और इसके नीचे एक सौ पच्चीस लिखेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और हम यहां एक लाइन खींच देंगे अब यहां दो सौ से एक सौ पच्चीस से करना है एक सौ पच्चीस का इकाई अंक है पांच हम यहां से शुरू करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे पहले इस पांच का गुणा हम इन तीनों से करेंगे उसके बाद दो का और उसके बाद एक का पहले पांच का करते हैं पांच का छह से करेंगे पांच छंग तीस तीस का जीरो हासिल लगा तीन हमें याद रखना है हासिल का तीन पांच का गुणा आठ से करेंगे पांचवा चालीस चालीस में तीन जोड़ेंगे तेयलिस तेयलिस का तीन हासिल लगा चार अब हमें हासिल का चार याद रखना है पांच का गुणा दो से करेंगे पांच दूनी दस दस में चार जोड़ेंगे चौदह अब हम यहां चौदह लिख देंगे ये हमारा पांच का गुणा इन तीनों से हो गया अब दाही का शुरू करेंगे तो हम इकाई और दही दाही से लिखना शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे अब दो का गुणा करेंगे हम छह से दो छंग बारह बारह का दो हासिल लगा एक, एक हम हासिल का याद रखेंगे दो का गुणा आठ से करेंगे दो अठा सोलह सोलह में एक जोड़ेंगे सत्रह सत्रह का सात हासिल लगा एक अब हासिल का एक याद रखेंगे दो का गुणा दो से करेंगे दो दूनी चार चार में एक हासिल जोड़ेंगे पांच पांच यहां लिख देंगे अब दो का भी हो गया अब हम एक का शुरू करेंगे इकाई दही सैकड़ा इकाई दही सैकड़ा यहाँ सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे इकाई और दही के नीचे क्रॉस लगा देंगे एक का गुणा छह से करेंगे छह एक का गुणा आठ से करेंगे आठ एक का गुणा दो से करेंगे दो अब एक का भी हो गया एक दो तीन तीनों कड़ी का गुणा हो गया अब हम यहां लाइन खींच देंगे और अब हमें इन तीनों को जोड़ लेना है जीरो में जीरो जोड़ा जीरो तीन में दो जोड़ा पांच चार में सात जोड़ा ग्यारह ग्यारह में छह जोड़ेंगे सत्रह सत्रह का सात आसिल लगा एक, एक में एक जोड़ेंगे दो दो में पांच जोड़ेंगे सात सात में आठ जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रह का पांच आशीर लगा एक एक में दो जोड़ेंगे तीन ये हमारी जोड़ हो चुकी है और इस प्रकार से हमारा ये गुणा सॉल्व हो चुका है दो सौ छियासी गुणा एक सौ पच्चीस बराबर पैंतीस हजार सात सौ पचास प्रकार से हम दूसरा दूसरा दे रखा है छह सौ सतहत्तर गुणा दो सौ बारह छह सौ सतहत्तर का गुणा दो सौ बारह से करना है हम करेंगे यहां लिखेंगे छह सौ सतहत्तर और इसके नीचे लिखेंगे दो सौ बारह गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहां एक लाइन खींच देंगे अब दो का गुणा इनसे करेंगे दो का सात से दो सौ तक चौदह चौदह का चार आसिल लगा एक दो सौ तक चौदह चौदह में एक जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रह का पांच आसिल लगा एक दो छह बारह में एक जोड़ेंगे तेरह यहाँ लिख देंगे तेरह एक का शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रॉस दाई से लिखेंगे एक का सात से करेंगे सात एक का सात से गुणा करेंगे सात एक का छह से गुणा करेंगे छ अब हम सैकड़ा का करेंगे इकाई दाई के नीचे क्रॉस सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे दो सौ दस चौदह चौदह का चार हासिल लगा एक दो सौ दस चौदह चौदह में जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रह का पांच हासिल लगा एक दो छंक बारह बारह और एक तेरह अब हम इनको जोड़ लेंगे चार का चार पांच और सात बारह बारह का दो आसिल लगा एक तीन और एक चार चार में सात जोड़ेंगे ग्यारह ग्यारह में चार जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रह का पांच आसिल लगा एक. एक और एक दो दो में छह जोड़ेंगे आठ आठ में पांच जोड़ेंगे तेरह तेरह का तीन से लगा एक एक में तीन जोड़ेंगे चार और ये एक का एक इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख तैयलीस हजार पांच सौ चौबीस छह सौ सतहत्तर गुना दो सौ बारह बराबर एक लाख तैयलीस हजार पांच सौ चौबीस चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा छह सौ सैतीस गुणा तीन सौ अस्सी छ सौ सैतीस का गुणा तीन सौ अस्सी से करना है अब हम यहां लिखेंगे छह सौ सैतीस और इसके नीचे लिखेंगे तीन सौ अस्सी गुणे का चिन्ह लगाएंगे लाइन खींच देंगे जीरो का गुणा इनसे करेंगे जीरो का सात से करेंगे जीरो जीरो का तीन से, तो जिरो, जिरो का से करेंगे तो भी जीरो जीरो का छ से करेंगे तो भी जीरो अब हम आठ का शुरू करेंगे तो इकाई दाई तो यहाँ इकाई दाई दाई से लिखेंगे आठ का सात से करेंगे आठू सतर छप्पन छप्पन का छ आसिल लगा पांच आठ तीस चौबीस चौबीस में पांच जोड़ेंगे उनतीस उन्तीस का नौ आसिल लगा दो आठ का छह से नहीं आठ छतालीस अड़तालीस में दो जोड़ेंगे पचास अब हम सैकड़ा का शुरू करेंगे इकाई दाई और सैकड़ा सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे तीन का सात से तीन सत्ता इक्कीस इक्कीस का एक आसिल लगा दो तीन का तीन से तीन तीन नौ नौ में दो जोड़ेंगे ग्यारह ग्यारह का एक आसिल लगा एक तीन का छह से तीन अठारह अठारह और एक उन्नीस अब ये तीनों का हो चुका है अब हम इनको जोड़ लेंगे जीरो का जीरो छ का छे नौ में जोड़ा दस दस का जीरो आशिल लगा एक एक और एक दो पांच और नौ चौदह चौदह का चार आसिल लगा एक एक और एक दो इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख दो लाख बयालीस हजार साठ ये हमें प्राप्त हुआ अगला है चौथा नौ सौ निन्यानवे गुणा चार सौ नौ सौ निन्यानवे का गुणा हमें चार सौ से करना है यह लिखेंगे हम नौ सौ निन्यानवे और इसके नीचे लिखेंगे चार सौ गुणे का चिन्ह लाइन खींच देंगे जीरो का गुणा इन तीनों से करेंगे जीरो का नौ से जीरो जीरो का नौ से जीरो जीरो का नौ से जीरो अब हम इस जीरो का करेंगे दूसरे नंबर दाई वाले का दाई से लिखेंगे जीरो का जीरो नौ से जीरो जीरो का नौ से जीरो जीरो का नौ से गुणा करेंगे जीरो जीरो का गुणा किसी से भी करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है चार का करेंगे सैकड़ा में है इकाई दही के नीचे क्रॉस सेंकड़ा से लिखेंगे चार का नौ से चार नीन चार जोडेंगे उनचालीस उनचालीस का नौ आशील लगा तीन चार नम छत्तीस छत्तीस में तीन जोड़ेंगे उनचालीस ये हमारा गुणा हो चुका है अब हम इसको जोड़ लेंगे जीरो का जीरो जीरो, गा जीरो छे का जीरो छः का छः, नौ का नौ नौ का नौ तीन का तीन इकाई दही सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख तीन लाख निन्यानवे हजार छह सौ चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला है पांचवात सौ सतहत्तर गुणा दो सौ बाईस हमें सात सौ सतहत्तर गुणा दो सौ बाईस से करना है यहां लिखेंगे हम सात सौ सतहत्तर और इसके नीचे लिखेंगे दो सौ बाईस और गुणे का चिन्ह लगाएंगे अब दो का गुणा सात से करेंगे दो सौ चौदह चौदह का चार हासिल लगा एक दो सौ तौद चौदह में जोड़ेंगे पंद्रह का पांच हासिल लगा एक दो सौ तौदह चौदह में जोड़ेंगे पंद्रह एक अब ये वाला हो चुका है अब इस दाई वाले दो का करेंगे नीचे क्रॉस दाई से लिखेंगे दो सौ तौदह चौदह का चार हासिल लगा एक दो सौ चौदह चौदह में जोड़ेंगे पंद्रह पंद्रह का पांच हासिल लगा एक दो सौ चौदह और एक पंद्रह अब हम सैकड़ा का करेंगे इकाई दहाई के नीचे क्रॉस सेंकड़ा से लिखेंगे दो 14 चौदह चौदह का चार हासिल लगा एक दो 14 चौदह चौदह और एक पंद्रह पंद्रह का पांच हासिल लगा एक दो 14 चौदह चौदह और एक पंद्रह अब हम इनको जोड़ लेंगे चार का चार पांच और चार नौ पांच पांच दस और चार चौदह चौदह का चार आसिल लगा एक एक और एक दो दो और ये पांच पांच दस और दो बारह बारह का दो आसिल लगा एक एक और एक और दो दो और पांच सात और ये एक का एक ये गुणा हो चुका है इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख बहत्तर हजार चार सौ चौरानवे अगला छट्टा छह सौ नौ गुणा छह सौ पांच छह सौ नौ का छह सौ पांच से गुणा करना है लिखेंगे छह सौ नौ और यहां पे छह सौ पांच गुणे का चिन्ह अब पांच का गुणा इनसे करेंगे पांच नम पैंतालीस 45 का पांच से लगा चार 5 का जीरो से करेंगे जीरो जीरो में चार जोड़ेंगे चार 5 का 6 से करेंगे 5 छंग तीस अब ये दाई का शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रॉस दाई से लिखेंगे जीरो का नौ से करेंगे तो जीरो जीरो का जीरो से करेंगे जीरो जीरो का 6 से गुना करेंगे जीरो अब हम सैकड़ा का शुरू करेंगे इकाई दाई के नीचे क्रॉस सैकड़ा से लिखेंगे छ का गुणा नौ से छ चौवन चौवन का चार आसिल लगा पाँच छ का जीरो से करेंगे जीरो जीरो में पाँच उड़ेंगे पाँच और छ का छ से करेंगे छत्तीस ये गुणा हो चुका है अब हम इनको जोड़ लेंगे पांच का पांच चार का चार चार का चार तीन और पांच आठ छः का छः और ये तीन का तीन, ये गुना हो चुका है जोड़ कर लिया हमने इकाई दई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ पिचपन ये था छठा विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगला है सातवा नौ सौ सत्तासी गुणा तीन सौ इक्कीस नौ सौ सत्तासी का गुणा तीन सौ इक्कीस से करना है हम लिखेंगे नौ लिखेंगे सतासी और यहां लिखेंगे तीन सौ इक्कीस गुना करेंगे एक का गुणा सात से करेंगे सात एक आठ से करेंगे आठ एक का नौ से गुना करेंगे नौ एक का गुणा हम किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या या वही अंक आता है अब हम दाई का शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रॉस दाई से लिखेंगे दो सत चौदाह चौदह का चार आशिल लगा एक दो सोलह सोलह में एक जोड़ेंगे सत्रह सत्रह का सात आशील लगा एक दोनों में अठारह अठारह और एक उन्नीस अब हम सैकड़ा का शुरू करेंगे इकाई दही के नीचे क्रोस सैकड़ा से लिखेंगे तीन का सात से तीनों सता इक्कीस इक्कीस का एक आशील लगा दो तीन का आठ से तीन वोबीस चौबीस चौबीस और दो छब्बीस छब्बीस का छः, छह लगा दो तीन का नौ से तीन नम सत्ताईस, सत्ताईस और दो उनतीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे सात का सात आठ और चार बारह बारह का दो आशिल लगा एक नौ में एक जोड़ेंगे दस दस और सात सत्रह सत्रह और एक अठारह अठारह का आठ आशिल लगा एक नौ में एक जोड़ेंगे दस दस में छः जोड़ेंगे सोलह सोलह का छः आशिल लगा एक एक और एक दो दो और नौ ग्यारह ग्यारह का एक आशिल लगा एक दो में एक जोड़ेंगे तीन ये हमारी जोड़ हो चुकी है इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख तीन लाख सोलह हजार आठ सौ सत्ताईस अगला है आठवा आठ सौ पैंतालीस गुणा पांच सौ निन्यानवे गुणा करेंगे 845 इसका गुणा, 500 9 गुणा पाँच से करेंगे नौ का गुणा 5 से नौ 45 पैतालीस का 5 आशील लगा चार नौ चौक छत्तीस छत्तीस और चार चालीस चालीस का जीरो आशील लगा चार नौ का आठ से नौ बहत्तर बहत्तर और चार छिहत्तर अब हम दाई का शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रॉस नौ पंजा पैतालीस पैतालीस का पांच आशील लगा चार नौ चौक छत्तीस छत्तीस और चार चालीस चालीस का जीरो आशील लगा चार नौ बहत्तर बहत्तर और चार छिहत्तर अब हम सैकड़ा का शुरू करेंगे दाई के नीचे क्रॉस सैकड़ा से लिखेंगे पांच पंजा पच्चीस पच्चीस का पांच आसिल लगा दो पांच बीस बीस और दो बाईस बाईस का दो आसिल लगा दो पांच चालीस चालीस और दो बयालीस अब हम इनको जोड़ लेंगे पांच का पांच पांच का पांच छह और पांच ग्यारह ग्यारह का एक आशिल लगा एक सात और एक आठ आठ और छह चौदह चौदह और दो सोलह सोलह का लगा एक सात और एक आठ आठ और दो दस दस का जीरो आशिल लगा एक चार और एक पांच प्राप्त हुआ इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख पांच लाख छ हजार एक सौ पिचपन अगला नवा है नवा नौ सौ अट्ठासी गुणा सौ चौदह नौ सौ अट्ठासी का गुणा 514 सौ चौदह से करना है नौ सौ अट्ठासी इसके नीचे लिखेंगे 514 सौ चौदह एक लाइन खींच देंगे चार का गुणा कर आठ चार वोटा बत्तीस बत्तीस का दो आसिल लगा तीन चार वोटा बत्तीस बत्तीस और तीन पैंतीस पैंतीस का पांच आसिल लगा तीन चार नंबर छत्तीस छत्तीस और तीन उनचालीस इकाई का हो गया दाई का शुरू करेंगे इकाई के नीचे क्रोस दाई से लिखेंगे एक आठ से गुना करेंगे आठ एक आठ से करेंगे आठ एक का नौ से करेंगे नौ अब हम सैकड़ा करेंगे इकाई दहाई के नीचे क्रोस सैकड़ा से लिखेंगे पांच का आठ से पांचवो टाइम चालीस चालीस का जीरो आशी लगा चार पांचव टाइम चालीस चालीस और चार चौवालीस चौवालीस का चार आशीर् लगा चार पांच नम पैतालीस पैंतालीस और चार उनचास अब हम इनको जोड़ लेंगे दो का दो आठ और पांच तेरा तेरह का तीन आशी लगा एक नौ और एक दस दस और आठ अठारह अठारह का आठ आशी लगा एक तीन और एक चार चार और नौ तेरह तेरह और चार सत्रह सत्रह का सात आशीर लगा एक नौ और एक दस दस का जीरो आशीर लगा एक चार और एक पांच इकाई दई सीड़ा हजार दस हजार लाख पांच लाख सात हजार आठ सौ बत्तीस अगला है दसवा नौ सौ गुणा आठ सौ अट्ठासी नौ सौ का गुणा आठ सौ अट्ठासी से करना है नौ सौ और इसके नीचे लिखेंगे आठ सौ अट्ठासी गुणा करेंगे आठ का जीरो से जीरो आठ का जीरो से जीरो आठ का नौ से आठ बहत्तर। दाई का शुरू करेंगे के नीचे क्रॉस, दाई से लिखेंगे। आठ का जीरो से जीरो आठ का जीरो से जीरो आठ नम बहत्तर अब सैकड़ा का शुरू करेंगे दाई के नीचे क्रॉस सैकड़ा से लिखेंगे आठ का जीरो से जीरो आठ का जीरो से जीरो आठ नाम बहत्तर अब हम इनको जोड़ लेंगे जीरो का जीरो जीरो का जीरो दो का दो सात और दो नौ सात और दो नौ और ये सात का सात इकाई दही सेंकड़ा हजार दस हजार लाख सात लाख निन्यानवे हजार दो सौ इनकी जोड़ हुई विद्यार्थियों इस प्रकार से ये वाला गुना भी हो चुका है तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने गणित कक्षा पांच में प्रश्नावली तीन पॉइंट एक का पहला सवाल जिसमें दस सवाल थे गुणे से संबंधित हमने उनको सरल तरीके से समझते हुए हल किया आप भी विद्यार्थियों इनको समझते हुए हल कीजिए और इस टाइप से गुणे के जो सवाल हो उनका नियमित अभ्यास समझते हुए जरूर करेंगे उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए आप अधिक अधिक से साथियों विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ रहे थैंक यू